भी देखो कुछ भी होता धोखा डाक में डाल जाते थे, क्यों ऐसा होता है इसमें? तो आप हमारा घर गिरा रहे हो ना, तो हमको घर दो। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है हम मुमरा के पापा का नाका इलाका है, यहाँ पर हम मौजूद हैं ठीक बीके टावर के सामने। एक शिरीन अपार्टमेंट है जिसे आज टीएमसी ने जो है नोटिस जारी किया है, नोटिस जारी कर इस इमारत को धोखादायक बताया है। और जबकि इस इमारत के जो रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि अभी हाल ही फिलहाल में इस इमारत की जो है रिपेयरिंग की गई थी, उसके बावजूद जो है टीएमसी ने इसे धोखादायक बताकर इस इमारत में रहने वाले लोगों को यानी 30 मकान और 6 दुकान को जो है नोटिस जारी किया, यानी 24 घंटे के अंदर इन्हें इमारत खाली करने को कहा गया है। ऐसे में अब रमज़ान का महीना चल रहा है और ईद आने वाली है, ऐसे में अब सवाल उठता है कि अगर ये लोग इस इमारत को खाली करेंगे तो फिलहाल ये जाएंगे कहाँ? इस इमारत में जो रहने वाले लोग हैं हम उन्हीं से बात करते हैं। आप बताइए, इस इमारत में आप रह रहे हैं कितने साल से? इस इमारत में मैं अभी फिलहाल 3 साल चल रहा मेरा। नोटिस जो जारी हुआ है खाली करने को कहा गया है, खाली करेंगे तो कुछ सपोर्ट होना चाहिए, कोई सहारा दे तो हम लोग खाली करें, कहा जाए ये घर छोड़कर? बच्चे हैं, रमजान चालू है, ईद आने वाली है, कैसी क्या 2-3 हज़ार में घर मिल जाएगा हम लोग को? वही सोच के सब टेंशन में बैठे, रोजा भी नहीं खोले, जैसा रोजा खोले वैसे 4-5 जन पुलिस आ गई, खाली कर दो नोटिस। ऐसे कैसे नोटिस खाली कर देंगे? क्या इमारत की क्या रिपेयरिंग वगैरह ऐसा काम कुछ किया गया था कितने साल पहले? 75% सब कुछ हो गया, सिर्फ बाहर का गटर का काम बाकी, कलर्स पिलर विलर एवरीथिंग सब कुछ हो गया, सिर्फ बाहर का। आप लोगों को जब नोटिस दिया गया तो आप लोगों से क्या कहा गया? कहा गया कि 24 घंटे के अंदर घर खाली कर दो, नहीं तो सील मार देंगे, कोई सामान लेके जाने देंगे नहीं, इतनी मेहनत से हम कमाएंगे और सामान ये लोग को दे देंगे। आप जैसे कि बता रहे हैं कि इमारत को खाली कराने के लिए कहा गया, तो अभी इस इमारत में जितने भी परिवार हैं वो लोगों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल है कि वो लोग जाएंगे कहाँ? मनपा से भी बात की है जो आए थे यहाँ पर नोटिस देने के लिए, उनका कहना है कि वो लोग जो है हमारे जो सहायक आयुक्त महेश आहिर हैं उनसे मुलाकात करें और बात करें। तो क्या आप लोग जो है इस इमारत को लेकर मुलाकात करने के लिए जाएंगे उनके पास? हाँ जाएंगे, हम लोग जाएंगे। हम लोग 8-9-10 साल से हम लोग इसमें रह रहे हैं, इतना पैसे खर्चे करा के कुछ नहीं हो रहा, जब भी देखो कुछ भी होता धोखा डाक में डाल जाते थे, क्यों ऐसा होता है इसमें? काहे को ऐसा होता है? हम लोग गरीब लोग हैं, इधर आए 13 लाख इतना खर्च हो गया, किधर चलाएंगे हम लोग पैसा, किधर जाएंगे बाल बच्चा लेके? जब भी देखो, जब भी लोग बोल देते धोखा डाक में डाल, मुमरा में खाली एक ही बिल्डिंग है क्या, और बिल्डिंग नहीं है? इतनी सारी बिल्डिंग है, खाली एक ही बिल्डिंग सिरिन की बिल्डिंग है ये खाली? आए हम लोग गरीब लोग को क्या फंसाया जा रहा है क्या? अरे अमीर लोग को फंसाओ ना, कोई है अगर अगर मदद करने ना तो सामने के खड़े रहे बस, इसके आगे हमको कुछ नहीं बोलने का कि इधर खर्चा करो उधर खर्चा, कितना खर्चा करेंगे हमारे पास क्या देखे रखे कि हम लोग के आदमी है ना, बहुत मेहनत से 1-1 रुपए ला के देते तब जाके हम लोगों ने घर बना ले इतना संदे, हमारा घर है ना, हमारी औलाद से बढ़कर है, हम लोग बहुत परेशान है और हर हर रमजान शरीफ में ये मुसीबत हम लोग को उठाना पड़ रहा है, और कोई भी अल्लाह का बंदा है तो सामने आवे बस, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैं हमने सर हर बार भागे ले, इस बार हम लोग बहुत थक गए। ये जहाँ तक मनपा की तरफ से आप लोगों को क्या कहा गया, कहीं आप लोगों को रहने के लिए कुछ जगह देने की बात कही गई है? कुछ भी नहीं मिलेगा, घर सील कर देंगे सामान के साथ में, भैया हमारा कोई रिश्तेदार नहीं कहीं नहीं, जो भी है हमारा यही है। लेकिन इसके पहले भी 15-20 दिन पहले मतलब एक बाजू में जो सपा चाल है जो गिरने को जब गिरी थी तो उस वक्त वो ऑफिसर लोग यहाँ पे आए थे, बोले कोई भी बिल्डिंग टूटे ना टूटे लेकिन ये बिल्डिंग 101 टक्का टूटेगा। किसने कहा था? मतलब वो कोई ऑफिसर था गोसावी साहब के नीचे साथ वाला, तो 4-5 ऑफिसर लोग थे साथ में, ये बोल के मतलब उन लोग चले गए, जिसमें से हम लोग 3-4 गवालों के मतलब यहाँ पे बैठे थे और उन्होंने ये सुना और सुन के बाद उन लोग चले गए। अब एक बात बताओ मैं क्या बोलता हूँ, इस बिल्डिंग को आज पिछले 8-9 साल हुआ बन के, जब देखो जब इस बिल्डिंग पे घड़ी घड़ी नोटिस आती है, आखिर इसकी वजह क्या है? कितनी बार नोटिस आ चुकी है अब तक? कम से कम 5 से 6 बार हो चुके हैं नोटिस का, और अभी तक 13 लाख रुपया इस बिल्डिंग वालों ने गरीब लोगों ने खर्चा कर चुके, ये गरीब लोग पैसा कहाँ से लाएंगे? चोरी करेंगे, डाका डालेंगे? आखिर म्युनिसिपैलिटी नाले पे गटर बिल्डिंग का काम करवाती है, परमिशन देती है, किस वजह से देती है? कि गरीब लोग फंसे, बिल्डर लोग कोई भी अभी जो मनपा ने आपको नोटिस जारी किया है तो उन्होंने क्या बताया है कि किस तरह से इमारत धोखादायक है, कुछ उसकी रीज़न बताया आप? उसका रीज़न अभी फिलहाल अभी कुछ नहीं बताया, बस उन्होंने नोटिस लगा के गए भाई, बोले 24 घंटे में खाली करना है। अभी ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे 24 घंटे में?
कुछ बताया था रीजन कि किस वजह से इमारत कुछ भी नहीं, सिवा के पेपर दे दिए, साइन ले लिए, बस नाम लिखे और कुछ भी नहीं बोले, बस बोले 24 घंटे के अंदर घर खाली करो, सील मार देंगे। म्युनिसिपल ऑफिसर से मैंने पूछा कि सर अगर ये घर आप लोग तोड़ेंगे, अगर धोखाधड़ी साबित किए हो तो हम लोग कहाँ जाएंगे रहने, तो बोले हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, हम कहीं नहीं दे सकते। मैंने ये पूछा कि हम टैक्स भी भरते हैं तो जिम्मेदारी कौन लेगा हमारी, बोलता हमारी जिम्मेदारी ने जो बात करना आप अहिरे साहब से कल जाके पांच पकड़ी थाने में ऑफिस पे बात करो, वहाँ पे अपने जवाब दो, वो जवाब क्या देते हैं आप उधर से बात करो। बोले हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम आपको आएंगे, नोटिस दे के आएंगे और जब आप खाली नहीं करो हम जबरदस्ती खाली कराएंगे आपसे। जबरदस्ती कैसा खाली कराएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे आप ये बताइए, रमजान शरीफ का महीना है, हम नहीं जा सकते। जब से रमजान चालू है जब से वो लोग जा रहे हैं, बहुत दिन बहुत रमजान से ऐसे हो रहा है, आज तीन रमजान से ऐसा हो रहा है हमारे पीछे परेशानी। यानी जब भी नोटिस आता है तो रमजान में ही आता है? नहीं आता है, रमजान शरीफ में ही आता है और कोई त्योहार में नहीं आता है, ना दिवाली ना दशहरा नहीं, बस रमजान शरीफ में ही आता है। और हम लोगों के अब इतनी सारी बिल्डिंग है ना, तो भी यही बिल्डिंग में जैसे जिस तरह से नोटिस जारी किया गया, आप लोगों को 24 घंटे का टाइम दिया गया है, हम नहीं खाली कर सकते, हम कहां जाएंगे, सपोर्ट करेगा तो हम खाली करेंगे, नहीं तो हम नहीं खाली करेंगे। आप लोगों की कुछ मांग है ऐसी? हमको घर के बदले में घर दो, हमको घर के बदले में दो, आप हमारा घर गिरा रहे हो ना तो हमको घर दो, घर बहुत मेहनत से बनता है ना। अरे हम खाली तो कर फिर लेकिन जाएंगे किधर, हम लोग किधर नहीं, घर के बदले में हमको घर चाहिए, बात खलास, ऐसा खाली करके हम नहीं जा सकते, रोड पे चोरी बैठेंगे जाके, घर के बदले घर मिले, कुछ लिख के दो कुछ पढ़ के दो तो हम लोग घर खाली करेंगे, कैसे खाली करेंगे, इधर जाएंगे हम लोग, कहाँ पे जाएंगे, घर इतनी मुसीबत से खरीदता है आदमी, एक एक पैसा जमा करके खरीदता है, कोई बोलता है कि खाली कर दो, किधर जाएंगे हम लोग, बोलो कहाँ पे जाएंगे, इतने भाड़ा भरने की औकात नहीं है हमारी, और ऐसा हम लोग को देख के 200 रुपया आदमी कमाता है, दिन भर सुबह में खा जाता है, घर खरीदने का क्या है, कहाँ घर खरीद पाएंगे। मुंबई में आदमी सस्ता दे के खाली कर दिया कि सस्ता दे के आके खरीद लिया हम गरीब लोग, अब हम गरीब लोग को सताया जा रहा है, इधर से क्या करने का, बोलो क्या करने का हम लोग को, मुंबई में खाली एक ही बिल्डिंग है खाली का, कटाल में दुनिया की बिल्डिंग पड़ी है, एक ही बिल्डिंग है, क्या करेंगे अभी, जाएंगे किधर बताओ, अभी दो दिन किधर जाएंगे, कहाँ रहेंगे हम लोग, क्या करेंगे अभी, अभी खाली करने बोले तो जाएंगे किधर अभी बताओ, बच्चे रो रहे हैं परेशान, वही ना घर में कुछ होता है, किसी को आगे गया, कोई मर गया, उसका जिम्मेदार कौन है। तो जैसा कि आपने सुना कि जो महिलाएं हैं वो बेहद ही परेशान हैं, आखिर अब उनके सामने ये सवाल है कि अब वो जाए तो जाए कहाँ, ऐसे में टीएमसी ने जो नोटिस जारी किया है और बताया है कि ये इमारत बेहद ही धोखादायक है, जो यहाँ पीछे नाला है उस तरफ से इस इमारत को धोखादायक बताया जा रहा है, हालाँकि जो यहाँ की इमारत में रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि अब तक इसे रिपेयरिंग करके करीब 13 लाख रुपये इस पर खर्चा किया जा चुका है, और इस इमारत को करीब 2 से 3 बार और रमज़ान में ही इस नोटिस जारी किया गया है, लेकिन फिलहाल जो इसमें रहते हैं मनपा के जो अधिकारी आए थे उन्होंने इनसे कहा है कि ये जो मुंबरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त महेश आहिर हैं से मुलाकात करें, उनसे बातचीत करें और इसका मसला हल करें। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंबरा।